पंचायत समिति नगर वार्ड नंबर 22 से महबूब खां, कर्मठ युवा, ईमानदार, जुझारू नेता, जिसका चुनाव चिन्ह बिजली का खम्मा। वार्ड नंबर 22 की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अयूब खान के पास। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं प्रचार प्रसार चल रहा है राजस्थान के ग्राम पंचायत के चुनाव का, और लोगों का हुजूम और जो लोगों का साथ और प्यार इनको मिल रहा है, ये जताता है कि आने वाली 29 तारीख को यहाँ से महबूब खान को चुनने का जनता काम करेगी। लेकिन ये वक्त बताएगा। अभी बातचीत करते हैं इन लोगों से। जनाब, किस तरीके से चल रहा है चुनाव प्रचार, लोगों का कैसे समर्थन मिल रहा है आपको? बढ़िया चल रहा है साहब, और वहाँ को महबूब को बहुत दस पूरा टोटली गाँव है, और अच्छा माहौल है बाहर भी। अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। अच्छा, लोग क्यों देखना चाहते हैं अयूब खान को? महबूब है, रास्तों की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो इनसे कौन आपका निदान कराएगा? अब करवाऊंगा, वो MLA साहब से कहेंगे, करवाएगा, ये भी कहेगा, हम भी कहेंगा। अच्छा अयूब जी, हम लगातार देख रहे हैं लोगों का साथ आपके जुड़ता ही जा रहा है, ये कारवा कहाँ जाएगा? ये कारवा में मुझसे प्यार है इन लोगों को, हैं, मैं इनका प्यार का बदला दूंगा, इनको साथ जोड़ के चलूंगा, हैं, इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह जो इनका काम होगा मैं उसको कराऊंगा, हमेशा इनके साथ रहूंगा। अच्छा, कहाँ से प्रचार प्रसार शुरू हुआ है, कहाँ से आप घूमते हुए आ रहे हैं अभी? प्रचार यहाँ से शुरू हुआ, मैं सीधा जाऊंगा लास्ट ककराला पहाड़ी, हैं, हाँ, गाँव से आया हूँ फिलहाल, हाँ, लास्ट कोरली से करा प्रचार शुरू, अब रूपबास, ककराला, रसूलपुर, नांगल बे पहाड़ी। अच्छा, जैसे और भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जैसे कांग्रेस की यहाँ सरकार है, कांग्रेस का प्रत्याशी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा वोट यहाँ से ले जाए? ना, इंशाल्लाह नहीं लेंगे, मुझे प्यार है लोगों का, लोगों का प्यार है, और हमेशा मैं सामाजिक काम में हिस्सा लेता हूँ। हाँ, सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं? हाँ, इंशाल्लाह मैं हिस्सा लेता हूँ। जनता जुड़ रही है आपके साथ? हाँ, जनता जुड़ रही है। तो 29 तारीख को जनता बड़ा उलटफेर कर सकती है? नहीं, इंशाल्लाह वादा है, मुझे प्यार देगी, वोट देगी, अच्छे मेरे साथ में बर्ताव करेगी, मुझे प्यार है लोगों का। अच्छा, अपने चुनाव निशान के साथ जनता को क्या संदेश देंगे, कौन सा निशान है आपका? और मेरा खम्मा का निशान है, बिजली का खम्मा है, उसकी बटन दबाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा वोटों से मैं कामयाबी मुझे मिलेगी। जी देखिए, ये हमारे साथ अयूब खान हैं, और भी हमारे साथ पूरी आवाम है, और ये लोग इनसे बात करेंगे। जी जनाब, क्या नाम है? महबूब जी। महबूब जी, आप भी तो चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी। कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों को? बढ़िया है। बढ़िया मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है, बिल्कुल बढ़िया समर्थन है। बढ़िया समर्थन है, तो जिताएगी इस बार जनता? इंशाल्लाह जिताएगी। अगर जनता यहाँ से चुनती है तो किसका दामन थामोगे, कि उनकी पार्टी में जाने की आपकी कोशिश रहेगी? जनता करेगी। जनता तय करेगी। जी, जनता तय करेगी। जनाब, क्या नाम है? सद्दाम। सद्दाम जी, अच्छा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों का कैसा समर्थन प्राप्त हो रहा है? अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है हमारे लिए, बहुत अच्छा, सब गांवों में। अभी हमारा पूरा गांव, अब कोरली में खड़े हैं जो। अच्छा, कोरली से कितने वोट ले हुए आप? कोरली से लगभग हम सभी वोट ले रहे हैं, अब दो चार वोट हर गाँव में कटती है, तो इंशाल्लाह सब वोट हम ले रहे हैं। अच्छा, महबूब खान को किन मुद्दों पर वोट करना चाह रही है जनता? जी, अच्छा आदमी है, अच्छे विकास के लिए इनको जनता चुनना चाह रही है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जनता समर्थन दे रही है, साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाब होंगे, विजय होंगे। जी देखिए, तस्वीर साफ हो चुकी है, वार्ड नंबर 22 से महबूब खान और अयूब खान को यहाँ से जनता चुनने का काम करेगी, पूरी आवाम उसके साथ है। जी जनाब, पंचायत समिति नगर वार्ड नंबर 22 से महबूब खान, कर्मठ युवा, ईमानदार, जुझारू नेता, जिसका चुनाव चिन्ह बिजली का खम्मा, ये विकास के काम कराएंगे आगे चलकर, इसकी जीत पक्की, अहम जीत। अच्छा, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव नांगल। अच्छा, नांगल से कितनी वोट ले रहा? नांगल से एक हजार। एक हजार, और इसे जहां खड़े हो? यहां से 300। और उधर रसूलपुर से? रसूलपुर से 300। ककराला से? 250। तो जीत पक्की है? जीत पक्की है। तो किससे मुकाबला मान रहे हैं अपना? मुकाबला हमारा निर्दलीय रूप में ही रहेगा। तो जनाब, तस्वीर साफ हो चुकी है, वार्ड नंबर 22 से लड़ाई काफ़ी रोचक होने वाली है। अयूब खान के साथ जिस तरीके से जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है, उससे ऐसा जाहिर होता है कि 29 तारीख को यहां से अयूब खान को जनता चुनने का काम करेगी, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता इस पर विश्वास जताएगी, ये वक्त बताएगा।